వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా. घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हम आए हैं इंदौर के सिलावटपुरा में आकड़ी वाले गणेश जी के मंदिर में, क्योंकि पूरे देश में गणेश उत्सव का उल्लास छाया हुआ है और इसी बीच हम आपको दर्शन करा रहे हैं इंदौर के गणेश मंदिरों के. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आकड़े वाले गणेश जी की पूरी कहानी. और ये ऐसे गणेश जी हैं जो स्वयं आकड़े के पेड़ में से निर्मित हुए हैं. तो हम जानते हैं पंडित जी से इस मंदिर के महत्व के बारे में. पंडित जी, इस मंदिर का महत्व क्या है और मैं सभी से पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये दर्शन कर रहे हैं सभी को जय श्री गणेश. भगवान गणेश जी आपके आप ये जो गणेश जी देख रहे हो सफ़ेद आकड़ की जड़ में स्वनिर्मित है. पिछले 36 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर विराजमान किए गए. 4 सितंबर 1987 इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, उसी दिन स्थित कर्फ्यू में हमारे दादाजी जो यहाँ के संस्थापक ब्रह्मलिंग तेजकर जी राठौर हैं और साथ ही माँ भगवती विजयसन माता के उपासक, उन्हीं के आशीर्वाद से वो दिन से आज तक यहाँ भगवान गणपति विराजमान है. रिद्धि सिद्धि लाभ पुत्र शुभ पुत्र सहित हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर 11,000 लड्डुओं का भोग लगता है और वहाँ प्रसाद वितरण होता है. पर इस वर्ष भगवान गणपति की कृपा और बढ़ गई है. इस वर्ष हमारे यहाँ स्वर्ग में राजमहल का जो निर्माण हुआ है विश्वकर्मा जी ने किया है, वैसे ही हमने यहाँ पर हमारे सिलावटपुरा स्थित गणेश मंदिर पर किया गया है. आप यहाँ पर आके दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा और महसूस होगा कि हम स्वर्ग के राजमहल में हैं. इसको बनाने में 1.5 महीना करीबन हमें इस स्वर्ग महल को बनाने में लगा है. हमारे बड़े भाई कालू जी शारला और उनके टीम मेंबर्स ने ये पूरा महल खड़ा किया गया है, जिसमें 11,00,000 मोतियों का उपयोग किया गया है. 10 दिन यहाँ दर्शन चालू रहेंगे. और दूसरा, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति ने इस बार आप ये जो दर्शन कर रहे हैं 2.5 किलो चांदी से बनी निर्मित पगड़ी पहनी है और रिद्धि सिद्धि ने भी चांदी के मुकुट पहने हैं. ये बढ़ने घर में मदन लाल जी चांदी वालों के द्वारा बनाए गए हैं और कल विराजमान, कल सुबह गणेश चतुर्थी पर 12 बजे जन्मोत्सव की आरती पर ये विराजमान किए गए हैं. दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे शास्त्रों में भी वर्णन लिखा है कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ के गणपति को दर्शन करना और घर में रखना अति शुभ माना गया है, क्योंकि इनके दर्शन करने के मात्र ही आदमी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. और दूसरा एक चीज़ और कहूँगा मैं, हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले रितुम भरत जी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने देश विदेश में गई हूँ पर ऐसी जागृत मूर्ति सफ़ेद आंकड़े की जड़ में मैंने कहीं नहीं देखी है. और उन्होंने ये बात अपने इंदौर में जब रामकथा हुई थी, व्यासपीठ पर उन्होंने इस बात को बोला भी गया था कि धन्य हो माँ अहिल्या की नगरी जो आज भी गणपति को जन्म दे रही है और सिलाटपुरा स्थित में वहाँ गणपति विराजमान है.
बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।